तो मेरे मैनेजर्स यही बोलते थे कि पेपर निकल गए हैं, बीवी बच्चे तुम्हारे हैं नहीं, घर जाके करोगे क्या। 2018 में माय आर्टिकल्स गॉट एंडेड, तो मैंने कुछ अर्सा पीडब्ल्यूसी में ही एज असिस्टेंट मैनेजर काम किया इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, स्टार्टेड माय करियर इन एडवाइजरी, सेट इट अप ऑन माय ओन, और कुछ चीजें मैंने उसके बाद जो है वो शुरू की। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि यार अगर हमने पासपोर्ट को एम करना है तो ही वेस्टर्न कंट्री में जाना चाहिए। देयर इज वन थिंग कॉल्ड अकाउंटिंग एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड फाइनेंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमेशा अकाउंटिंग के रोल को एक वॉच डॉग का रोल देखा जाता था या जेलर टाइप का रोल देखा जाता था कि भाई इनसे कोई चीज गुजरेगी तो आगे बढ़ेगी। उस 6 महीने के प्रोजेक्ट की मदद से कोई 100 मिलियन की सेविंग आई। वर्क फ्रॉम होम में हमें टाइम बहुत मिला, तो आई ऑल्सो वर्क विद अ कपल ऑफ स्टार्टअप्स। हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को स्टॉक एक्सचेंज की एडवाइजरी देना कि भाई 3 वर्टिकल्स हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। पाकिस्तान के अंदर ना जो मसला है वो हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के अंदर है। देयर आर 4 एलिमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। अस्सलाम वालेकुम, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो ना सिर्फ एडवाइजरी की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं बल्कि IQSF की फैकल्टी में भी आते हैं। And he has a name in IQSF, and not just in IQSF, but also he has experience of MNC and different various fields. So let's welcome Sir Muzammil Manaf. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Misaliya. कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? सर आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। Okay, so let's begin with it. के जो हमारा एक पेटेंट क्वेश्चन है पॉडकास्ट का, जो मैं यूजुअली अपने गेस्ट से पूछती हूँ, तो आपसे भी पूछूंगी कि हाउ वाज योर एकेडमिक जर्नी, जो आपने पढ़ाई शुरू की, फिर आपने CA किया और फिर आपने एक अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। बेसिकली आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम सुल्तान मोहम्मद शाह खान स्कूल। मैं थ्रू आउट आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इसके साथ ही रहा, स्कूलिंग मैंने वहीं पर की। अच्छा, स्कूल के टाइम पे आई डिसाइडेड कि मुझे जो है वो अकाउंटेंसी की फील्ड में कुछ करना है। रीज़न बीइंग मेरे वालिद का ताल्लुक जो है वो अकाउंटेंसी, फाइनेंस इस सारी फील्ड से था। मैंने बचपन में जहाँ लोगों ने नीड फॉर स्पीड देखी है या इस तरह की गेम्स देखी हैं, मैंने मोटो रेसर वगैरह, मैंने इस टाइम पर जो है बब्बू को टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट और ये चीज़ से करते हुए देखा। तो आई डिसाइडेड कि हाँ यार, दिस इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फील्ड्स इन पाकिस्तान और इसके अराउंड कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड मैट्रिक, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि यार CA इज समथिंग आई शुड परस्यू। तो मेरी वैसे मैट्रिकुलेशन तो साइंसेस के सब्जेक्ट से थी, लेकिन मैंने उसके बाद जो है वो कॉमर्स की तरफ शिफ्ट किया। एवरीवन वाज लाइक कि यार तुम हमें चीज़ें पढ़ाते हो, समझाते हो और तुम खुद जो है वो कॉमर्स की तरफ जा रहे हो, क्या रीज़न है इसका? बट आई टोल्ड एवरीवन कि मैंने डिसाइड कर लिया है, आई वॉन्ट टू मेक अ करियर आउट ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं कॉमर्स की साइड पर जो है वो जा रहा हूँ। अदरवाइज माई ग्रेड्स वर रीजनेबल इन मेट्रिक और चीज़ें अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो बहरहाल वहाँ से फिर आखन हायर सेकेंडरी स्कूल गया, कॉलेज से स्टार्ट लिया और कॉलेज में जो है वो 2 साल मुकम्मल किए। तब भी मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता था कि CA के कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से एग्जामिशन लेनी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया 2012 में कि मैंने अब जो है वो CA को स्टार्ट करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को स्टार्ट करना है। सो अबाउट लेट्स से 5 एंड हाफ ईयर्स पीरियड, 5.5-6 साल का पीरियड नॉर्मल जिस तरह से लगता है, मैंने भी उतना ही टाइम पीरियड लिया CA मुकम्मल करने में। आई डिड माई आर्टिकल्स फ्रॉम फर्ग्यूसन, PwC पाकिस्तान से मेरी आर्टिकल्स थी, और मैंने फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, MNC इस तरह के सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो है ऑडिट किया था। 2017 आई रिमेंबर दैट आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स, और आर्टिकल्स में तकरीबन 10 महीने 1 साल जो है वो रहता था। तो मेरे मैनेजर्स यही बोलते थे कि पेपर निकल गए हैं, बीवी बच्चे तुम्हारे हैं नहीं, घर जाके करोगे क्या। तो जितना काम होता था उस वक्त मिल जाया करता था, 8-10 महीने का पीरियड वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक था। उसके बाद 2018 में माय आर्टिकल्स गॉट एंडेड, तो मैंने कुछ अर्सा PwC में ही एज असिस्टेंट मैनेजर काम किया इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, और उसके बाद आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, KPMG सऊदी अरेबिया। बेसिकली मैंने KPMG सऊदी ज्वाइन की और वहाँ पर तकरीबन 1-8 साल काम किया। Somehow my parents did not find it a very good model कि हम जो है वो बाहर हैं, family यहाँ पर है, because I am a bit extrovert personality, तो मैं घर पर बहुत बात करता था। Okay. और बहुत ज़्यादा घर के माहौल को जो है वो मैंने बातूनी लाइवली रखा हुआ था। तो माई पेरेंट्स सेड के बिल्कुल अब अलग सा हो गया है, तो आ जाओ वापस पाकिस्तान में कुछ कर लेना, इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। सो आई केम बैक इन द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ 2019, मैं तकरीबन अक्टूबर के आसपास जो है वो वापस आया। और यहाँ आने के बाद एडवाइजरी में एक छोटा सा काम करने के बाद आई ज्वाइन यूनिलीवर। यूनिलीवर मैंने ज्वाइन की, यूनिलीवर पाकिस्तान, और तकरीबन 2.5 साल वहाँ, 2 साल तकरीबन वहाँ पे स्पेंड किए। एंड इसके बाद आई स्टार्टेड माय करियर इन एडवाइजरी, सेट इट अप ऑन माय ओन, और
कुछ चीज़ें मैंने उसके बाद जो है वो शुरू की और फिर तकरीबन एडवाइजरी कंसल्टिंग इसी की तरफ मैंने अपना करियर बनाया. आज भी मैं उसी की फर्म जो है वो रन कर रहा हूँ. दैट्स हाउ द जर्नी इज. वंडरफुल. अच्छा सर, अभी आपने कहा जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो मैं मानती हूँ कि लाइवली लोगों के साथ और एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ ये इशू आता है कि अगर वो कहीं होते हैं और फिर वो जगह छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली एक लाइफ खत्म हो जाती है. सो अच्छा आपने कहा कि दैट यू वेंट देयर टू वर्क इन मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट में जब आप काम कर रहे थे तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? देखिए सबसे पहले तो एक थॉट प्रोसेस ना कि मैं मिडिल ईस्ट पहुंचा कैसे. आई वाज समवन जो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान को पसंद करता था एंड आई वाज लाइक यार मैं शायद पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा. जिस तरीके की मेरी फैमिली है, जो चीज़ें हैं, जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग है, आई वाज वेरी मच कनेक्टेड विद माय फ्रेंड्स, फैमिली, नेटवर्क. मेरा एक मैं नींद कॉम्प्रोमाइज कर देता था लेकिन दोस्तों से मिलना कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. आई वाज वेरी मच एसोसिएटेड विद पाकिस्तान के नहीं यार करना है. अच्छा आई रिमेंबर 2018 में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ. हमारे डायरेक्टर थे पीडब्ल्यूसी में, उनके कोई दोस्त थे जो 11 साल से एक पेपर दे रहे थे लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा था सीए का. अच्छा उस वक्त मैं जो है वो ऑडिटिंग और कॉस्टिंग कैफ लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाया करता था. तो माय डायरेक्टर कॉल्ड मी वन डे एंड ही सेड कि यार मेरा एक दोस्त है, इतने टाइम से पेपर रुका हुआ है तो मैंने पढ़ाओ. तो उस वक्त 2018 की बात है, ना स्काइप चलता था यूएई में, ना कोई और जो सॉफ्टवेयर था ऐसा, ना व्हाट्सएप चलता था. तो मैंने कहा मैं इनको कैसे पढ़ाऊंगा, ना स्काइप है ना व्हाट्सएप है, ये बैठे यूएई में, मैं यहाँ पर हूँ. तो मैंने मना कर दिया, आई टर्न्ड इट ऑफ. उसके बाद आशूर की छुट्टी हुई, तो आशूर की छुट्टी में वो पाकिस्तान आए. जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की. उन्होंने डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा वो किया कि यार मुझे भी पेपर निकालना है, आई वॉन्ट अ ट्यूटर जो मुझे प्रॉपरली पढ़ा दे. तो मैंने यही बात बताई उनको कि ना कोई सॉफ्टवेयर ना कोई चीज़, मैं किस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा. तो माई डायरेक्टर सेड कि मैं तुम्हें 15 दिन की छुट्टी देता हूँ, जो इसको पढ़ा के आओ. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जानने वाला है, ये वो सारा कुछ, आप इसे जो है वो पढ़ा के आए और वो कराएं. तो सामा रियली सपोर्टेड एट दैट टाइम. उन्होंने कहा कि जो है वो आप ये 15 दिन की छुट्टी लें और करके आ जाएं. तो आई अप्लाइड फॉर लीव्स, मैं यूएई गया उन्हें पढ़ाने के लिए. दैट इज द फर्स्ट टाइम आई वेंट आउट ऑफ पाकिस्तान. ओके, पहली बार पाकिस्तान से बाहर. ओके, उन्हें 15 दिन मैंने पढ़ाया, थोड़ी वहाँ की लाइफ एक्सप्लोर की, लोगों से मिला जिनके साथ मैं रह रहा था, वो फर्म के ही लोग थे. तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पाकिस्तान से बाहर काम कैसे होता है और उनका पेपर निकल गया. अल्लाह का शुक्र है, ही क्वालिफाइड आफ्टर सो मेनी ईयर्स कीप ट्राइंग, उनका पेपर क्वालिफाई हो गया. जब मैं यहाँ पर आया मैंने पहला काम ये किया कि मैं पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करता हूँ. अरे वाह, इट्स वेरी फैसिनेटिंग. हाँ, आई रियली फेल्ट गुड कि यार बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में नहीं है एट दैट टाइम. होगा उसमें ये कि जब आप बाहर काम करेंगे और यहाँ वापस आएंगे, या मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई आपकी इस तरह की कोई चीज एसोसिएशन होती है तो आप वो लर्निंग्स लेकर आएंगे. अब ये जरूरी नहीं है कि डिजिटल वर्ल्ड, आज हम 2024 में बैठे, 2024 की बात करें, अगर कोई वहाँ बैठे यहाँ कोई चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, कोई काम शुरू करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई सेटअप लगाता है, तो वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ की चीज़ें हैं, वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं. जिस टाइम पर मैं यूएई गया था, यूएई वाज एट अ बूम. और 2019 में जब जहर मैंने आके अप्लाई करना शुरू किया तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन केपीएमजी सऊदी अरेबिया और पीडब्ल्यूसी धारान वगैरह, 2-3 मेरे पास ऑप्शन थे. मैंने केपीएमजी सऊदी अरेबिया को जो है वो पिक किया एंड आई वेंट टू रियाद. वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि किस तरीके से इकॉनमी ग्रो कर रही है, किस तरह यूएई की चीज़ें हैं. बट बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का फ़ायदा महसूस होता है कि पाकिस्तान में अगर आर्टिकलशिप कर लें, यानी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, और फिर अगर मौका मिले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, उन्हें ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर जो है वो बढ़ रही हैं आगे, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर लोग काम करते हैं, स्टार्टअप साइड पे क्या चल रहा है, बिजनेस साइड पे क्या चल रहा है, इंडस्ट्री की साइड पे क्या चल रहा है, डिजिटल में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, फाइनेंस में क्या नई नई चेंजेस आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं. पाकिस्तान से थोड़ा सा तेज़ होती हैं ये इकोनॉमीज़ जो उन चेंजेस को और उन मेथड्स को अडॉप्ट कर लेती हैं. Exactly. आपको ग्लोबल प्रैक्टिसेस का पता चलता है, ग्लोबल कंट्रोल्स का पता चलता है. अब उस सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई मिडिल ईस्ट, कोई मिडिल ईस्ट को क्यों ऑप्ट करता है? नहीं, आपसे मैं पूछना चाहती कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स क्योंकि ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा फास्ट पेस इकोनॉमिक फोरम का भी पता चलेगा, लेकिन आपने मिडिल ईस्ट चुना था क्योंकि यू वेंट देयर. सो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को मिडिल ईस्ट जाना है या किसी और, मतलब वेस्टर्न साइड पे वो देखें, और व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड वेयर टू गो? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस मैं फॉर्म करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह सोचना है. देखिए सबसे पहले तो आप ये एवेल्युएट करें कि आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है. आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी लर्निंग एनहांस होगी, आपको नया एक्सपोजर मिलेगा, सारी चीज़ें, ठीक है. अगर एक स्टूडेंट ये कहता है कि यार मैंने प्योरली इस चीज़ को मॉनिटर करना है या इस चीज़ को देखना है कि मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कि मैं बाहर रह सकता हूँ या नहीं,
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह सोचते होंगे, बहुत सारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो इस तरह सोचते होंगे कि आई एम नॉट श्योर कि मैं बाहर रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा फैमिली के बगैर. वो पहले मिडिल ईस्ट को ट्राई करें. मिडिल ईस्ट पाकिस्तान से करीब है, साल में 3-4 दफा आप इजीली आ सकते हैं, ट्रैवल टाइम ज्यादा नहीं है और इनकम टैक्सेस वगैरह वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप समहाउ एक अच्छा अमाउंट सेव भी कर लेते हैं. प्लस मिडिल ईस्ट की खूबसूरती ये है कि वहाँ पे दुनिया भर की नेशनैलिटीज काम करने आती हैं. टैक्स इंसेंटिव की वजह से पूरी दुनिया वहाँ काम करने आ रही है. अभी रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से रशियंस की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है यूएई में और काफी नेशनैलिटीज को उसकी वजह से चैलेंज फेस हो रहा है. तो बहरहाल मिडिल ईस्ट अगर आप जाते हैं तो आपका एक पायलट हो सकता है, एक टेस्ट हो सकता है कि हाँ यार मैं पाकिस्तान से बाहर रह सकता हूँ या नहीं रह सकता. नाउ इफ समवन हैज दिस इंस्पिरेशन या वो इस चीज़ को देखते हैं कि यार हमें पासपोर्ट लेना है और ड्यूअल सिटीजनशिप की तरफ जाना है, हमें किसी वेस्टर्न कंट्री का पासपोर्ट लेना है, तो वो मिडिल ईस्ट में कुछ अर्सा रुकें, कुछ कैपिटल अपना जमा करें और फिर उसके, क्योंकि वेस्ट में सेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी. तो अमूमन ऐसा होता है कि सीए करने के बाद कुछ जिंदगी में ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं आपकी घर वालों की मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जो आपको शुरू में पूरी करनी होती हैं. आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, मिडिल ईस्ट जाकर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, चीज़ें हैं, जैसे मेरे केस में भी था, वो आप पूरी कर लें और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि यार अगर हमने पासपोर्ट को एम करना है तो ही वेस्टर्न कंट्री में जाना चाहिए. सही. अगर आप पासपोर्ट को एम नहीं कर रहे या सिटीजनशिप को एम नहीं कर रहे तो फिर वेस्टर्न कंट्री में जाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं है. वही सब जो आप एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर करते हैं फ्रॉम अ प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, आज नहीं कल आप मिडिल ईस्ट में सीख ही जाएंगे. अगर आप चाहेंगे तो मिडिल ईस्ट में कुछ जगह पे होता है टॉक्सिक कल्चर, पाकिस्तानी इंडियन लोग होते हैं, इस तरह का कल्चर बन जाता है कि वो बेरेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा लेट सेटिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन एक एक सेफ यानी सेफ्टी नेट है, पाकिस्तान से करीब है, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, कल्चरल शॉक भी बहुत ज्यादा नहीं है, हलाल फूड वगैरह इन चीजों का भी मसला नहीं होता. वेस्ट में ये सारे शुरू के एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं जो खासतौर पर मुस्लिम्स को आते हैं. Exactly. वो अगर वहां पर जा रहे हैं बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लेने के लिए या उस तरह की चीजें, तो फिर वो पासपोर्ट को एम करें. अगर पासपोर्ट एम करना मकसद नहीं है तो फिर वेस्ट आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए अगर चले जाएं तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि आप वहाँ पे जाके एडजस्टमेंट के बहुत बड़े साइकिल से गुजरेंगे और बहुत ही बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का माहौल, डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट होगा जिसको आप टच करेंगे. तो टेक्निकली स्पीकिंग पहले मिडिल ईस्ट जाना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव सम कैपिटल, डू अ टेस्टिंग आप रह सकते हैं नहीं रह सकते. फिर आप वेस्टर्न किसी कंट्री को एम करेंगे, ठीक है यार अब पासपोर्ट का प्लान है, अब चीज़ें आगे बढ़नी है, मैं एस्पायर करता हूँ कि मैं किसी ग्लोबल कंपनी का पार्ट बनूँ, वहाँ पर जाके किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँ, फिर आप बेशक उस तरफ जो है वो जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर रुकें, सबर करके रुके जब तक आपकी नेशनैलिटी नहीं हो जाती, आपकी पीआर नहीं हो जाती, आपकी सिटीजनशिप नहीं हो जाती. वो आपको बहुत फायदा देती है इंक्रीमेंटली, आगे एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास, आगे एक चेन ब्रेक हो जाती है, आगे आने वाले जो लोग हैं, आगे की जो जनरेशन है वो उससे फायदा उठा सकती है. तो टेक्निकली स्पीकिंग मिडिल ईस्ट. अच्छा, फिर ग्रोथ का पर्सपेक्टिव अगर अभी देखें, जो मार्केट्स बूम कर रही हैं वो मिडिल ईस्ट है. अगर मिसाल के तौर पर कोई वेस्ट गया, उन्होंने पासपोर्ट ले लिया, पासपोर्ट लेते लेते 4-5 साल 6 साल का अर्सा गुजर गया, नाउ दे फील कि यार फैमिली में बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट होगी, चीजें स्टार्ट होगी, नाउ दे कैन कम बैक टू मिडिल ईस्ट. कभी भी आ सकते हैं. मिडिल ईस्ट अपने यानी आप समझे कि बहुत ही ज्यादा अच्छे बूम के ऊपर है. एज वी स्पीक टूडे सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द ओवरऑल गल्फ का रीजन. इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया का इस वक्त नाम आता है फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव. अल्लाह करे पाकिस्तान का भी नाम इस तरीके से आए, लेकिन बहुत ज्यादा है. यूएई उसके साथ साथ चल रहा है, दे आर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग दैट सऊदी इज डूइंग. वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कुवैत में, कतर में, नई नई चीज़ें, नए नए इवेंट्स इस तरह के जो है वो आने की जो है वो भारत कोशिश की जा रही है. कतर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अपने आप में जो है वो हो रही है. तो लोग वहाँ पर जाएं, उस एक्सपोजर को देखें, लोग किस तरह काम करते हैं, नेशनैलिटीज किस तरह काम करती हैं, ज़रूर जाना चाहिए. आई वुड रिकमेंड जाना चाहिए. हाँ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली. अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है आपके ऊपर और आप इस चीज़ को वो करते हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पर बात की जा सकती है. और इस चीज़ को लेकर किसी को मायूस नहीं होना चाहिए कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर जाए वो नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरी फैमिली में ये 2-3 ज्यादा हाँ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे ना कोई हाँ, मसला है, ट्रेड ऑफ होता है. तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको उसी तरीके से कॉम्पनसेट इंशाल्लाह कर देगा, आपको वो लर्निंग्स भी मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ट्रैक आपका क्लियर होना चाहिए. तो ये बहरहाल एक प्रोसेस होना चाहिए लोगों का. वेरी गुड. तो सर आप जब वापस आए, मतलब ऑब्वियसली आप नहीं हो गए क्योंकि आपने कहा कि ऑब्वियसली डिपेंडेंसी ऑफ फैमिलीज एंड देयर आर सर्टेन वैल्यूज व्हिच आर प्रायोरिटाइज्ड. आप वापस आए फिर आपने ज्वाइन किया यूनिलीवर व्हिच इज आल्सो एन एमएनसी. तो एमएनसी में आपका यहाँ पर आने के बाद जब आपने काम दोबारा शुरू किया, आप आ चुके थे बाहर का पूरा एक्सपोजर लेके, सो हाउ वाज दैट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन यूनिलीवर? देखिए आई स्टिल रिमेंबर जब मैं यूनिलीवर इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो जब बिल्कुल इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले जब मैं कमरे में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेना चाहेंगे, तो मुझे उस वक्त उस पहले जुमले से फील हुआ कि यार
बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं. नॉर्मली इंटरव्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है अभी डरा होता है कि यार क्या बात होगी, हाँ किस तरह से होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन में लगा वहाँ पर, जिस तरह से लोग इंटरव्यू लेने आए और जो है वो चीज़ें वहाँ पर जो है वो स्टार्ट हुई. वहाँ जाके पहली दफ़ा बेंगलुरु में मैंने फाइनेंस पार्टनरिंग का कॉन्सेप्ट समझा. सो देयर आर टू थिंग्स बेसिकली, देयर इज वन थिंग कॉल्ड अकाउंटिंग एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड फाइनेंस. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लोग उसे अक्सर मिक्स कर देते हैं क्योंकि हमें बोलने की आदत है बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. सीए में हम कह रहे हैं कैफ सर्टिफिकेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हम बोलते हैं जी अकाउंटिंग और फाइनेंस एक चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं. अकाउंटिंग इज बेसिकली द आर्ट जहां पे आप सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी समरी बना रहे हैं और हिस्टोरिक डेटा को एक तरीके से अपने पास प्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज अगेन एन एसेंशियल थिंग. अगर आप एक हिस्टोरिक डेटा की मेंटेनेंस ना करें, उसे प्रॉपर तरीके से अपने पास रिकॉर्ड ना करें, एवरीथिंग विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड. आगे फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती अगर आपको अपना पास नहीं पता कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे उसकी क्लासिफिकेशन क्या तरीका होगा. दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग. वहां पर जब मैं गया तो मुझे अकाउंटिंग का काम बहुत कम मिला. मुझे ज्यादा जो काम मिला वहां पर वो फाइनेंस साइड का मिला. नाउ व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस मोर सो टॉक्स अबाउट कि आप किस तरीके से बिजनेस की वैल्यू एडिशन के बारे में सोचते हैं, बिजनेस को फायदा पहुंचाने के अतबार से सोचते हैं. अब मिसाल के तौर पे एक एसेट है, एक मशीन है, एक कंपनी ने परचेस कर ली, आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर ली, लेकिन सवाल ये कि क्या ये मशीन परचेस करनी चाहिए थी या नहीं, या नहीं इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाहिए था या नहीं, ये बिजनेस करने लायक है या नहीं. So इसका मतलब है कि फाइनेंस इज मोर टुवर्ड्स एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग. एनालिसिस एंड फ्यूचर डिसीजन. ओके ग्रेट. उसमें डिसीजन मेकिंग आ जाती है. दैट्स व्हाट माय सब्जेक्ट इज. सो इट्स काइंड ऑफ अ स्किल बेस्ड. यस ठीक है. और फाइनेंस के अंदर वहाँ एक रोल होता है पार्टनरिंग का. सो दैट वाज आल्सो अ कांसेप्ट जो मुझे पहली दफा पता चला. आज से पहले अकाउंटेंट्स का रोल क्या होता था, भाई एक बंदा है जिसने पैसों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, कंपनी के फाइनेंसिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, कोई भी चीज़ करानी है आपको अकाउंटिंग के डोर से गुजरना पड़ेगा, वो वाउचर्स बनाएंगे, चीज़ें प्रिपेयर करेंगे तो आगे बढ़ेगी. हमेशा अकाउंटिंग के रोल को एक वॉच डॉग का रोल देखा जाता था या जेलर टाइप का रोल देखा जाता था कि भाई इनसे कोई चीज़ गुजरेगी तो आगे बढ़ेगी. यूनिलीवर के कल्चर में मैंने ये चीज़ देखी कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को एम्पावर करता है आगे बढ़ने के लिए. ग्रेट. फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ पे सबसे पहले सप्लाई चेन फाइनेंस में गया था. सो सप्लाई चेन के अंदर आप देखिए रॉ मटेरियल लाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद उनका प्रिपेयर होके जाना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड सो ऑन सो फॉर, ये पूरी सप्लाई चेन चल रही है. तो मैं लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट देखता था और लॉजिस्टिक्स वाले पार्ट के अंदर या फैक्ट्री कंट्रोल्स वाले पार्ट के अंदर हम उन डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते थे इन ऑर्डर टू लेट देम नो कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. Okay. कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ सेविंग आ सकती है, कौन सा एरिया है जहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, कहाँ उन्हें पैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करने चाहिए. सो रादर देन कि हम उनके ऊपर एक वॉच डॉग का रोल प्ले करें और हर वक्त एक बेल बजाते रहें कि जी कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, वी यूज टू लिसन टू देम, डिस्कस विद देम कि कहाँ कौन सी चीज़ बिल्कुल ड्यू है करना और किधर सेविंग लाई जा सकती है. सो देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हमने आइसक्रीम फैक्ट्री के साथ की थी. वी एनालाइज्ड के वो जो आइसक्रीम का रीफर ट्रक होता है उसमें रेफ्रिजरेटर होता है. सो बहुत कॉस्टली होता है वो. अच्छा. वो ठंडा रहता है हर वक्त. तो वो आइसक्रीम डिलीवर करने जा रहे हैं एक रास्ते पर, तो वो रास्ते पे जा रहा है, वापसी रास्ते में खाली आ रहा है, यानी सामान नहीं है ना. exactly. तो वो बिल्कुल एक एक वेस्ट वेस्टेज थी वहां पर. तो हमने एक और कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि जी वापसी में आप इस गाड़ी को इस्तेमाल कर लें, जाते हुए हम इस्तेमाल कर लेंगे. तो वो भी अपनी कोई कोल्ड आइटम जो कोल्ड स्टोरेज की चीजें होती हैं वो रख लिया करते थे. तो दैट गेव अस सेविंग ऑफ लेट्स से 5 to 6 million. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम आइडेंटिफाई करते थे और मॉडलिंग के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू उनके मसलों को समझते हुए वी यूज टू एनालाइज कि यार यहाँ पे पैसे बच सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. तो बहुत ज्यादा वहां पे मैंने ना फाइनेंस की एप्लीकेशन देखी कि वो किस तरीके से सोचते हैं. आई डिड अ प्रोजेक्ट ऑन मटीरियल वेस्टेजेस. हमें आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ जगहों पर जो है वो वेस्टेज थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, कुछ जगहों पर जो है वो अंडर कंजम्पशन है. तो पूरा एक 6 महीने का रोबस्ट प्रोजेक्ट किया हमने जिसमें 5 फैक्ट्रीज को आई रिमेम्बर every week, not every month, every week मैं उनके साथ बात करता था और उनसे ये डिस्कस करता था कि भाई उनकी वेस्टेजेस की पोजीशन आज कहाँ पे और कहाँ जा रही है. फिर हर मंथ एंड पे हम उनकी रिपोर्ट निकालते थे और रिपोर्ट निकाल के उन्हें बताते थे कि देखिए अब आप यहाँ खड़े हैं. कहीं पर रेसिपीज का रिविजन होता था, कहीं पर हमें बिल ऑफ मटीरियल रिवाइज करने होते थे, कहीं पर हमें मशीन की पोजिशन को सही करवाना होता था, कहीं पर हमें इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को समझना होता था. वो सारी चीज़ें करने के बाद आई रिमेंबर कि उस 6 महीने के प्रोजेक्ट की मदद से कोई 100 million की सेविंग आई थी, जहाँ पे हमने वेस्टेजेस को बचाया था और अंडर कंजम्पशन को हाईलाइट करके उनकी कंजम्पशन जो होनी चाहिए नॉर्मल वो की थी. तो
वहां पे जो फाइनेंस का रोल था दैट वाज मोर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस. ओके, हाउ बिजनेस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिजनेस कैसे इसको ड्राइव कर रहा है. फिर उसके बाद आई रिमेम्बर उनका जो टी चाय का ब्रांड था वो उन्होंने जो है वो डीमर्ज किया था और सेल किया था किसी और को, एकटेरा को. वो पूरा प्रोजेक्ट मैंने एज फाइनेंस लीड जो है वो लेकर जो है वो किया था और उसमें किस तरीके से बैलेंस शीट कार्व आउट होगी, कैसे बिजनेस अलग होगा, किस तरह से इसके स्वॉप रेशियोज वगैरह कैलकुलेट होंगे. पीडब्ल्यूसी वहाँ पर एडवाइजर था तो हम टेबल के अब इस तरफ थे और हम जो है वो साथ में काम कर रहे थे. तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस और मैं अकाउंटिंग के लेंस से बाहर आ गया था. ग्रेट. लेकिन वहाँ जाते ही आई रिमेम्बर मार्च के महीने में कोविड आ गया. तो आई ज्वाइंड ओवर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर और दो महीने बाद कोविड. तो फरवरी के मिड में, एंड में, आई रिमेम्बर मार्च के मिड में, हाँ मार्च के मिड में, मार्च 2021 के मिड में कंप्लीट लॉकडाउन पर चले गए. अभी तो नौकरी ज्वाइन की दो महीने है. पहली बार अकाउंटिंग और फर्म से बाहर आए थे, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, पार्टनरिंग का कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद सारा का सारा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम के पर्सपेक्टिव से. तो थोड़ा चैलेंजिंग था. आई रिमेम्बर सैनिटाइजर की प्रोडक्शन 10 दिन में शुरू हुई थी. मेरे बहुत से दोस्त हैं गजाल, वो वहाँ पर फाइनेंस पार्टनरिंग जो है वो सैनिटाइजर की कर रहे थे. बहुत काम किया था उस टीम ने और काफ़ी लोग लगे हुए थे कि क्या होगा आगे, किस तरह दुनिया चलेगी, पता नहीं खत्म हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी. खैर वर्क फ्रॉम होम था, उसको भी सीखा समझा, किस तरह स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, किस तरह ट्रैकर्स बनाने हैं, कैसे काम को मैनेज करना है, वो सारी चीज़. एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कोविड के टाइम पे, वो वर्क फ्रॉम होम में हमें टाइम बहुत मिला. तो आई ऑल्सो वर्क विद अ कपल ऑफ स्टार्टअप्स. मैंने कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी वहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की. कुछ पीसेस थे तो छोटे मोटे जो मुझे सॉल्व करने थे और ज़ाहिर है वो नॉन कम्पीटिंग थे और इस तरह का कोई वो नहीं था, वो फाइनेंशियल साइड के काम थे, मॉडलिंग वॉडलिंग टाइप के काम थे. तो वो मैंने कुछ स्टार्टअप्स के साथ जो है वो करने की कोशिश की. एंड कोविड में आई डिसाइडेड कि फाइनेंस साइड पर, मैनेजमेंट साइड पर मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं और इन्हें आगे लेवरेज किया जा सकता है. अकाउंटिंग इज सो टोटली डिफरेंट एंड इट्स मोर लाइक ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल द थिंग्स एंड फाइनेंस इज समथिंग व्हिच गिव्स यू मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बिकॉज यू आर एक्चुअली यू नो इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट बिजनेसेस और उनके लिए आप सारा काम. और ऑब्वियसली ये जब आप इतना सीख लेते हैं और आपको मजा भी आ रहा है बिकॉज इंटरेस्टिंग है फाइनेंस सुन के ही लग रहा है, तो फिर आप आए एडवाइजरी की तरफ. एंड देन आई थिंक यू स्टार्टेड ऑफ विथ टू डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइजरी विच इज योर मेन फोर्टे. सो उसके बारे में कुछ बताएं फिर जब आपने एडवाइजरी फर्म स्टार्ट की. तो सो बेसिकली इन 2020 कोविड में जब मैंने कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम किया, कुछ बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम किया, तो आई फेल्ट कि मैं अपनी कोई चीज कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है क्योंकि बचपन से मुझे इस चीज का ख्याल था कि मैं बड़ा होकर कोई एंटरप्रेन्योर बनूंगा या मैं कोई अपना काम करूंगा. आई वॉज प्री डिटर्मिंड, मैं डिटर्मिंड था कि यार मैंने किसी कंपनी का सीएफओ बनना है या किसी जगह पर जो है वो कॉर्पोरेट लैडर के अंदर ऊपर जाना है बहुत. इट वॉज इन कोविड ओनली जब मुझे थोड़ा सा ये थॉट प्रोसेस रिवाइव करने का मौका, सोचने का मौका मिला. स्टार्ट तो मैंने बहुत ही बिल्कुल एक अलग तरीके से लिया था. मैंने पहले अमेजोन वगैरह एक्सप्लोर किया, देखा जी ये ई कॉमर्स का बिजनेस किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, ये सब मैंने एक्सप्लोर किया था पहले. और उसको एक्सप्लोर करने के साथ साथ मैं आई क्यू में, मैंने 2020 में ही ज्वाइन किया था अक्टूबर में, तो आई क्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के कुछ कोर्सेज भी मैं कर रहा था. उसके साथ साथ जो है वो कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी कंसल्टिंग कर रहा था, यूनिलीवर भी कर रहा था. तो माय मदर यूज्ड टू से कि तुम क्या कर रहे हो जिंदगी, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता. सुबह तुम्हारी 8:30 बजे क्लास होती थी तबानीस की, एक घंटे की 9:30-10 बजे तक. वो क्लास लेने के बाद जो है वो मैं यूनिलीवर का काम शुरू कर देता था, फिर शाम रात में ये चीज़ें कर. तो मैं घर वाले वर लाइक कि यार ये क्या कर रहे हो, किस तरह से 2020 मैंने कहा ना ट्रैवलिंग है ना ज्यादा आना जाना है, लॉकडाउन है, दोस्त यार भी इतने मिलने नहीं आते, तो कोई चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं, शायद कोई चीज़ जो है काम आ जाए. तो शायद मैंने 2020 में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम किया है. तो मुझसे अगर पूछे कि मेरा सबसे ज्यादा काम करने वाला साल कौन सा था, तो शायद 2020 था. मैंने बहुत जगह पे जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था. एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि एक गैप है पाकिस्तान में फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव और स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से. मेरे बहुत से दोस्त हैं इब्राहिम रहमान, वो आर्टिकल्स के बाद से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की फील्ड में थे. तो मैंने उनके साथ बात की, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि वहाँ पर एक सही एडवाइस लोगों को मिलना और सही तरीके से उनके फंड्स को मैनेज करना ये बहुत मुश्किल है और उस मार्केट को इतना अच्छा समझा नहीं जाता, लोग अच्छे तरीके से समझ के काम नहीं करते. तो जो मेरी स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा वो थोड़ा बिजनेसेस को एनालाइज करना, समझना और रिसर्च साइड पे थी. इब्राहिम की जो ज़्यादा स्ट्रेंथ थी वो मार्केट सेंटिमेंट को एनालाइज करना, राइट टाइम पे क्या डिसीशन लेना है, किस ट्रेड में एंटर होना है, किससे एग्जिट कर लेना, उस टाइप उस साइड पर थी.
बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद मेरा इस चीज के ऊपर एक इरादा कायम हुआ कि यार मैं 2016-17 से अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स तो कर ही रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यार किस तरीके से क्या होता है। वाले साहब मेरे बहुत पहले से इन चीजों से एसोसिएटेड थे, तो हमने कहा ये एक ऐसी मार्केट है जो 22-25 करोड़ की आबादी के बावजूद जो है वो 2-2.5 लाख इन्वेस्टर्स के ऊपर है, तो यहाँ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इधर कोई भी एक दूसरे के मार्केट शेयर को छीनने की कोशिश नहीं करता, एवरीवन वांट्स के नए लोग मार्केट के अंदर जो है एंटर हो। तो हमने इसको स्टार्ट किया 2021 में, 2021 के मिड में आई फाइनली डिसाइडेड, 3 साल हो गए बहरहाल, फाइनली डिसाइडेड कि मैंने जो है वो कंसल्टिंग और एडवाइजरी की तरफ आना है और यानी आप समझेंगे नौकरी की तरफ नहीं रहना। तो 2020 का डिसीशन था, हमने कुछ टाइम पायलट बेसिस पे किया, कुछ फैमिली के पोर्टफोलियोज मैनेज किए, फिर उसके बाद 2021 में फॉर्मली लाइसेंस लिया। सो आई जो लाइसेंस हमने लिया था पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स एडवाइजरी का, मैंने किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं देखा कि उन्होंने वो लाइसेंस लिया हो या उस तरह से काम जो है शुरू किया हो। तो आई कैन से कि शायद उस साल में वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने इस लाइसेंस को ऑप्ट किया था, बीइंग डिफिकल्टी ऑफ फ्रेटर्निटी ऑफ आईकैप। उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के साथ साथ जो मेरे फाइनेंशियल मॉडलिंग के, प्राइवेट इक्विटी के, फंड रेजिंग के असाइनमेंट्स थे वो अपनी जगह चल रहे थे। तो एक तरफ स्टार्टअप्स को मैनेजमेंट कंसल्टिंग देना और दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को स्टॉक एक्सचेंज की एडवाइजरी देना, ये दो चीजें बहरहाल इस एम्बिट के अंदर जो है आती थी, दो अलग अलग नामों से ऑपरेट हो रही थी। इसको स्टार्ट किया, द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। पाकिस्तान का इकोनॉमिक लैंडस्केप पढ़ने का बहुत वक्त मिला, कंपनीज को समझने का वक्त मिला, बिजनेसेस को एनालाइज करने का वक्त मिला, कब बिजनेसेस प्राइस वॉर्स में जाते हैं, इकोनॉमी का क्या इफेक्ट होता है, जीडीपी का क्या इफेक्ट है, इन्फ्लेशन किस तरीके से जो है वो मुल्क को फ़ायदा देती है या नुकसान देती है, दोनों तरीके से कब कहाँ पर किस बिजनेस को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कौन सी जो लाइफ साइकिल इम्पैक्ट होता है ना कि हर इंडस्ट्री का एक स्टार्ट है, इंट्रोडक्टरी फेज है, एक ग्रोथ फेज है, एक मेच्योरिटी फेज है, एक डिक्लाइन फेज है, वी एक्चुअली लर्न दैट, हमने उसको एक्चुअली एनालाइज किया कि यार किस तरीके से इंडस्ट्रीज का बूम आता है और इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती हैं। तो जिस वक्त हमने स्टॉक एक्सचेंज को एनालाइज करना शुरू किया था, देखना शुरू किया था, आपका 2021 का टाइम सीमेंट, ऑटो, स्टील, इनके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम थे। जब इंटरेस्ट रेट्स कम थे तो घर अच्छा किस्तों पे मिल जाता है, गाड़ी अच्छी किस्तों पे मिल जाती है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स अच्छी किस्तों पे मिल जाते हैं, फाइनेंसिंग में मिल जाते हैं, परचेजिंग पावर बहुत होती है। जब परचेजिंग पावर बहुत होती है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है, इन्फ्लेशन कम है, परचेजिंग पावर अच्छी है। तो 2020-2021 में परचेजिंग पावर बहुत अच्छी थी और हमारी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही थी। 48,000 का इंडेक्स उस वक्त जो क्रॉस हुआ था आफ्टर सो मच टाइम 2017-18 के बाद। हमने देखा सीमेंट में बूम है, ऑटो में बूम है, लेकिन जैसे ही दुनिया में डिमांड सप्लाई का क्रंच आया, कमोडिटी प्राइसेस आपकी बढ़ने लगी, पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, कोल की प्राइसेस बढ़ी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, कोल की प्राइसेस से इफेक्ट हुई सीमेंट की इंडस्ट्री, उससे इफेक्ट हुई घर बनाने की इंडस्ट्री, उससे इफेक्ट हुई 50 अलाइड इंडस्ट्रीज, स्टील की इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल पे इंपैक्ट आया, जैसे जैसे हमारा कार्बन क्लस्टर चेन रिएक्शन बनता है, चेन रिएक्शन बनता है। और उस वक्त हमने देखा कि जो डॉलर यानी रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है आपका, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी की डेप्रिसिएशन पे आईटी सेक्टर बहुत फायदा हासिल कर रहा था क्योंकि जितने यहाँ से आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, फिर इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी हमारी आईटी इंडस्ट्री है, लेकिन जितनी वो एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ दे रही थी जब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था और डॉलर बार। अब एक बंदा है जिसने मिसाल के तौर पर अपने ऑफिस का 5 मिलियन एक्सपेंस निकालना है, अब आपको डॉलर चल रहा है मिसाल 160-170 रुपए के ऊपर, वो चला गया 250 रुपए के ऊपर, अब बैठे बैठे उस बंदी की पीकेआर रिसीट्स तो बढ़ गई, लेकिन फॉरेन से, बिल्कुल फॉरेन से उसका रेंट या उसकी सैलरीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, उस बंदे के पास कुछ सेविंग अमाउंट है। अब उसने सेविंग अमाउंट से अपनी पसंद की गाड़ी ले ली, अपनी पसंद का घर ले लिया, हाँ जी ले लिया, अब क्या करेगा वो, अब अपनी वो टीम साइज को बढ़ाएगा, अब वो बिजनेस डेवलपमेंट में पैसे लगाएगा। वैसे दो ही शौक होते हैं पाकिस्तान में लोगों के, गाड़ी ले ले, घर ले ले। गाड़ी और घर लेने के बाद आदमी वापस बिजनेस में ही पैसा डालता है, वहीं री इन्वेस्ट करता है। हमने बाकायदे साइकिल देखी है आईटी कंपनीज को स्टडी करने के बाद, और स्टार्टअप साइड पे कंसल्टिंग करते हुए तो मुझे और भी आइडिया होता था कि लोग किस तरह सोचते हैं, इन्वेस्टर्स किस तरह सोचते हैं। तो जब इन सारी कंपनीज को एनालाइज करते थे, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को समझते थे, तो एक अंदाजा ये होता था कि भाई 3 वर्टिकल्स हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। कंपनी तब अच्छा परफॉर्म करेगी जब इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे लाजमी इकॉनमी है। ओके। उस वक्त इमरान खान के आउटस्टेशन वाला सारा मसला हुआ 2022 में, और हमने बहुत ही ज्यादा एक डार्क फेज देखा जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही थी। अभी भी खैर बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं आई है, इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी ज्यादा हैं, IMF के मसले अभी भी खड़े हैं, इस साल 24 अरब डॉलर का जो एक डेफिसिट है वो हम अभी भी देख रहे हैं, करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट में है, लोन की रिपेमेंट्स भी पाकिस्तान के ऊपर है, अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग, बहुत ज्यादा कोई स्टेबल या स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन में नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हालात खराब हुए,
बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे जो है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट मोड्स के अंदर शिफ्ट किए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट करने की कोशिश की, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, कुछ नहीं पता था मुल्क का क्या होगा। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान से चले गए, दे सिंपली शिफ्टेड ऑल देयर मनी आउटसाइड, बच्चों को बाहर शिफ्ट किया, फैमिली को बाहर शिफ्ट किया, किसी तरीके से मूव आउट कर गए। नौकरी थी नहीं थी, घर था नहीं था, कुछ पता था नहीं था, बस जाना है पाकिस्तान से, ये पता था। दिस इज सो आयरोनिकल विद ह्यूमंस के आप देखें अनसर्टेनिटी और अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स आपको जो है वो कभी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव वे पे ले जाते हैं, लाइक यू बिकम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव एंड यू लर्न अ लॉट थ्रू दैट अनप्रेसिडेंटेड टाइम, एंड समटाइम्स यू बिकम एक्सट्रीमली नेगेटिव अबाउट द थिंग्स एंड यू जस्ट रन अवे एज दैट आपको बिलीव ही नहीं होता कि आगे कुछ अच्छा भी होगा। बिल्कुल। तो जैसे अब कोविड है, कोविड ने आपको इतना फायदा दिया, मतलब आपको चीजें एक्सप्लोर करने का, लर्न करने का, चीजों को का टाइम मिला, और एक जगह उसी कोविड की वजह से और फिर अनसर्टेनिटी यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से लोग पाकिस्तान से जाने भी लगे और अपने जो सेट बिजनेसेस या फाइनेंसेस उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो हटा के चले गए। आपने बताया कि सर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स चले गए, ठीक है, सो हाउ यू रीगेन्ड दैट क्लाइंटेल और अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंटेल्स अगेन? बेसिकली देखें, हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ इन्वेस्टमेंट्स वाली सारी चीज़ को एक्सप्लोर करते वक्त या PSX को एक्सप्लोर करते वक्त कि पाकिस्तान के अंदर ना जो मसला है वो हमारी इकॉनमी के फंडामेंटल्स के अंदर है। हमारी इकॉनमी के अंदर एक इशू बहुत बड़ा ये है कि वी आर इन इम्पोर्ट लेड कंट्री, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स के ऊपर जो है रिलाई करते हैं, और मसला ये कि हमारा सेठ इस चीज़ में खुश भी है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जो मेजोरिटी है वो सेठ साहब चलाते हैं, चाहे वो सेठ साहब सियासत में हों या ना हो, वो कोई ना कोई सेठ साहब ही चलाते हैं। वो सेठ साहब नहीं चाहते कि वो इम्पोर्ट से हटें, उनकी प्रायोरिटी ये है कि हम किसी तरीके से इम्पोर्ट कर लें। जो बेचारे एक्सपोर्ट्स कर भी रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, कभी उन्हें कोई सप्लायर जवाब नहीं देता, कभी उन्हें मटेरियल नहीं मिल रहा होता, कभी उनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते, कभी उन्हें सैंपल कुछ देते हैं बाद में कुछ दे देते हैं, उनके ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे मसले होते हैं। तो यही चीज़ हमने भी यहाँ पर फील की कि भाई इम्पोर्ट लेड इकॉनमी और इम्पोर्ट के तरीके से जो है वो चल रही है, और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होने की साइड पर चल रहे थे। जिन लोगों को एक स्टेबल रिटर्न चाहिए था और स्टेबल उसमें रहना था, उस वक्त जो इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आर्बिट्राज जिस तरीके के मॉडल्स हैं वहाँ पे रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गए थे, क्योंकि आपका जो मिनिमम जो काइबोर रेट है या मॉनेटरी पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज कर गया था, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो वो बेहतर रेवेन्यू था। लेकिन हमने बहरहाल इस चीज़ के ऊपर बहुत दिमाग लगाया कि भाई कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए जो पाकिस्तानियों को डॉलर्स में कमाने का मौका दे, जो बाहर की मार्केट्स, जो दुनिया में मार्केट्स अच्छी हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका दे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम किया, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर कोई इस तरीके का प्रोडक्ट, इस तरीके की कोई चीज़ ठोस बन जाती है जहाँ पे आप पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट कर सकें और अपनी इनकम को डॉलराइज कर सकें, फिर उसके बाद जब हालात यहाँ के बेहतर हो तो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकें, इस तरीके की कोई चीज़ ढूंढने में या बनाने में बहरहाल बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत जो है वो लगती रहती है, कुछ बन जाता है इस तरीके का तो वो लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल होगा। रही बात उस कंटिजेंसी प्लानिंग की, तो थोड़ा सा जो शिफ्ट था, जो माइंडसेट था, वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग साइड पे चला गया। अब मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज समथिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो, क्योंकि देखें इसमें भी अब फॉर एग्जांपल मेहनत बहुत है। आप वैसे बड़े नाम निकालने जाएंगे तो मैकिन्ज़ी, BCG, बेन, इस तरीके के बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज ऑल अबाउट हेल्पिंग समवन अचीव समथिंग। एग्जैक्टली, मैं एक ही लाइन में इसको डिफाइन करता हूँ, यू आर हेल्पिंग अ बिजनेस अचीव समथिंग, वो किसी जगह पर पहुंच जाए, कहीं पर कोई ऑटोमेशन का मसला है, कहीं पर किसी चीज़ को डिजिटलाइज करना है, कहीं पर उन्हें फंड रेजिंग में या कैपिटल रेजिंग में हेल्प करनी है, कहीं पर उन्हें प्रोडक्ट की साइड पे कोई हेल्प करना है, मार्केटिंग की साइड पे कोई हेल्प करनी है, सेल्स की साइड पे कोई हेल्प करनी है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में सारे एवेन्यूज आ जाते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आई डिड अ ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट विद वन ऑफ माई क्लाइंट्स, उनका मसला यह था कि उन्हें पाकिस्तान से बाहर अपना बिजनेस जो है वो शिफ्ट करना था या ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वेलकम करना था। अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वेलकम करते हैं तो वो कहते हैं कि जी कंपनी बाहर होनी चाहिए, पाकिस्तान में ना हो, ब्रांड IP बाहर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स बाहर होने चाहिए, यहाँ पर ना हो। तो हमने पूरी उनकी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचा था कि यार कहाँ कंपनी बनेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, किस तरीके से वो बाहर जाएंगे, कैसे उनका सारा ये मामला जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद कुछ यानी कंपनीज होती हैं उन्हें सेल्स की साइड पे हेल्प चाहिए होती है, यानी उनकी सेल्स की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, कोई प्रोसेसेस नहीं बने होते, कंट्रोल्स नहीं होते, कहीं पर कुछ कंपनीज होती हैं उन्हें ERP, MIS इस तरीके की ऑटोमेशंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में पहले अपने आप को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था फाइनेंशियल मॉडलिंग की साइड पे और स्टार्टअप यानी फंड रेजिंग वगैरह की साइड पे, लेकिन ओवर द पीरियड मुझे समझ आया कि ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, इनके मसले बहुत होते हैं, इनके बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे छोटे लेवल के ऊपर।
अब आप किसी बड़ी फर्म को ज्वाइन करेंगे तो वो शायद एक बड़ी कंपनी का मसला हल कर रहे होंगे, 30-35 करोड़ रुपए वहाँ पे एक रेवेन्यू एवरेज क्लाइंट से मिल रहा होता है और आपके उसी हिसाब से बोनसेस सैलरीज वगैरह हो रही होती है। लेकिन अगर आपको ये खुद करना है तो आपको फिर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आपका क्लाइंटल कहाँ से आ रहा है, आपका क्लाइंटल किस तरीके से सोचता है, उनके कौन से प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें ग्रो करने में कैसे हेल्प करेंगे। Exactly. So, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है ना कि आप क्लाइंट को सिर्फ वो टिप नजर आए, उसके नीचे जितना केओस है, जितनी ग्राउंड वर्क है, जितनी मेहनत है, मैनेजमेंट है, वो आप अपने जिम्मे लें। दैट इज व्हाई यू आर कॉल्ड अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब आप उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर, उनके मसलों के ऊपर जो वो काम करें, ऑब्वियसली हर चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं ऑफर कर सकते, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि यार ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जो सेल्स की साइड पे, मार्केटिंग की साइड पे, ऑटोमेशन की साइड पे, डिजिटल की साइड पे बहुत कुछ समझते हैं। अगर उनके साथ रहकर इस तरीके का कोई मॉडल बनाना चाहिए कि आप बिजनेसेस को हेल्प करें अचीव समथिंग। मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो इमीडिएट फ्रेंड सर्कल है, अल्लाह का शुक्र है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, मैं अकेला हूँ। सारे जो है वो एक डिवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग साइड देखता है, किसी की अपनी कोई समझे कि कंसल्टेंसी है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा आप समझे कि मार्केटिंग और सेल्स वगैरह की साइड के ऊपर है, कोई डिजिटल ऑटोमेशन की साइड के ऊपर है, कोई लॉ की साइड के ऊपर है जो कम्प्लीटली लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके का फ्रेंड सर्कल, इमीडिएट सर्कल जब आपका होता है, आपको हर इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, हर जगह का फ्लेवर आपके। फिर आप ये सोचें कि यार हाउ डू यू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम। Okay. मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर AI आ रहा है, ऑटोमेशन आ रही हैं, सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, ये वो। एज लॉन्ग एज यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, एग्जैक्टली, तो आप AI को यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप एक्सेल को यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप सेल्स फोर्स को यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप ओडो को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर। आई थिंक दिस इज ट्रू व्हाट यू आर सेइंग कि जिस तरह जो इंसान वक्त के साथ साथ अब ग्रो या उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं डेवलप हो रही है, सो ऑब्वियसली वो तो फिर अपने आप को हिस्ट्री का हिस्सा समझे, वरना तो फिर ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली चेंज इज कांस्टेंट, नथिंग एल्स। मैं इस बात में बहुत बिलीव करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी नहीं छीनेगी, वो बंदा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाना जानता है वो छीनेगा। एग्जैक्टली, यूज करना जानता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा एनालिटिक्स हो, फिनटेक की कोई साइड हो, ये फाइनेंस की सारी इमर्जिंग फील्ड्स हैं, आप इन फील्ड्स को समझें, किसी ऐसे सेटअप में काम करने की कोशिश करें जहाँ पर आप लर्न करेंगे। अच्छा देखिए, जब आप सेटअप में काम करने की कोशिश करते हैं, फिर वो छोटा सेटअप होता है, वो 8-10-12 लोगों की कंपनी होती है, वो अवारी टावर्स में कोई 1500 लोगों का ऑफिस नहीं होता। okay. वो छोटा सेटअप होता है, फिर वहाँ पर आप काम करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, यार ये प्रोडक्ट है, ऐसे बनता है, इंडस्ट्री में ऐसे अप्लाई होता है, ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर आप उसको पेच करें और लोगों को। अगर आप अपनी फर्म ओपन करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम कर रही होगी, उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंटल होगा, पोर्टफोलियोज होंगे, आप उसमें एक सीनियर एसोसिएट के तौर पर, एसोसिएट के तौर पर, मैनेजर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं और उस काम को वहाँ से कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है ना, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर हो, यार मुझे क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे वो सेल्स फोर्स हो, यार मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे वो ओडो ERP हो, यार मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी ना, तो फिर सॉफ्टवेयर आपके लिए सिर्फ एक टूल रह जाएगा। Exactly. वो आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, आप उसको यूज करके उसका मसला सॉल्व करेंगे, यूज करके उसका मसला सॉल्व करेंगे। So, मतलब बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। So, if you have that, तो definitely ये सारी चीजें जो है, फिर ये, these are just the tools. Exactly. फिर ये सिर्फ टूल्स बन जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके किसी का कोई भी इशू जो है सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स का लॉ कोई जानता है, सेल्स टैक्स का लॉ जानता है पाकिस्तान का, और वो बाहर के लॉज एंड रेगुलेशंस भी पढ़ सकता है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिसाल, उसकी कंसल्टिंग है, वो अगर पाकिस्तानी लॉ को समझता है, वो बाहर के लॉ को पढ़े और यहाँ के स्टार्टअप्स को ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करें कि दुनिया में कहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स हैं, कहाँ कंपनी बनानी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी इनकम पे टैक्सेस पे कर सकते हैं और बचा सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपरली। ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर ERPs को लेके, फाइनेंस को लेके अच्छे सॉल्यूशंस नहीं होते। आपने एक अच्छा ERP इंप्लीमेंट करवाया, एक ऐसा डैशबोर्ड दे दिया कि एक छोटी कंपनी का मालिक भी मंडे की सुबह 10:30 बजे ये देख सकता है कि आज मैंने कितना नफा किया है, या आज तक पूरे साल में मैंने कितना नफा किया है। उसको आप एक अच्छा से डैशबोर्ड बना के दें। डेटा स्टोरीज के साथ खेलकर डिमांड प्लानिंग कैसे हो सकती है, उनके सेल्स के लोग कैसे काम कर सकते हैं, मार्केटिंग साइड पे उन्हें क्या सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग गैदर करें और लोग गैदर करके उनका मसला सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप हर बार एक चीज को अनलर्न कर सकते हैं और फिर दोबारा लर्न कर सकते हैं विद द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग इन, कोई भी आपकी नौकरी कभी जो है रिप्लेस नहीं करेगा। सो एडवाइजरी इज ऑल अबाउट दैट यू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम। कंपनीज के अंदर आपकी एक JD है, डिफाइंड है, आपने जाना है, उस पर काम करना है, ये इंडस्ट्री साइड है।
यानी लेकर मैंने जितनी भी जो है वो सेविंग के काम किए, फाइनेंस के काम किए, आई हैड अ जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट, मैंने चार ट्रैकर इस मंथ के बनाने और उससे सेविंग्स को ड्राइव करना है. लेकिन जब आप एडवाइजरी साइड पे या मैनेजमेंट कंसल्टिंग साइड पे आते हैं, दिस इज कम्प्लीटली अबाउट बाउंड्रीज. आपकी कोई जेडी नहीं है. Exactly. आपके सामने एक मसला आता है कि भाई ये क्लाइंट का ये प्रॉब्लम है, इस चीज में ये फंसा हुआ है, इससे इसको बाहर किस तरीके से निकालना है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लेयर है. प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद उस काम को एग्जीक्यूट करना एक लेयर है. सो वी आर नॉट मैकिन्ज़ी कि हम 35 करोड़ रुपए की एक एडवाइस भेज देंगे और बोलेंगे खुद कर लो. वो कह सकते हैं दे आर इन दिस पोजिशन. लेकिन अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एडवाइजरी की तरफ आना चाहते हैं, कंसल्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, दे कैन नॉट से दैट. एसएमई सेक्टर में, स्मॉल एंड मीडियम साइज सेक्टर के अंदर एडवाइस फ्री होती है. अच्छा. No one pays you for advisory. Everyone pays you for execution. Okay. आप किसी को advice दे रहे हैं, tax से बच सकता है? हाँ जी बच सकता है. करके दिखा दे. Okay. So like you people give actual you know success coaching. Exactly. Right. To the companies के भाई ये काम अगर करना है तो उसके step by step आप पूरा strategy बना के देंगे. बिल्कुल. Okay. ये 6 काम है जो करने हैं. Plan दे दिया. Plan के कोई पैसे नहीं देता. जाहिर है. Plan 22 करोड़ आम में से 12 करोड़ की बस. हाँ, क्योंकि I think मेरे हमारे मुल्क में तो unsolicited advice तो सबका काम है. सबका काम. अब आपने advice दे दी. Now everyone finds it hard कि वो execute कैसे. Exactly. Now, जो आपने स्टेप्स बताए, चीजें बताई, आप उसे एग्जीक्यूट करें. एग्जीक्यूट करके उन्हें उस मसले से निकाल के दें. फिर अब अगर आप एसएमई सेक्टर के अंदर हैं, यू वुड सी दिस फैक्टर जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया. आप एक मसला किसी क्लाइंट का सही से सॉल्व कर देना, बोलता है यार ये भी है, मसला सामने आ जाता है. फिर वो आते जाते हैं, उसका जो इवेंचुअल फायदा होता है वो ये होता है कि वो आपको अपने बोर्ड पे एज एडवाइजर ले लेते हैं. ओके. ठीक है यार, इन्होंने 2-3 साल हमारे साथ काम किया, हमारे बहुत सारे मसले सॉल्व किए, हियर इज योर एडवाइजरी इक्विटी शेयर, या आपका कंपनी में हमारे साथ शेयर है, आप बोर्ड के ऊपर आए, हम साल में 12 दफा बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. उसका इवेंचुअली आउटकम ये होता है. फिर ओवर द पीरियड ऑफ 8-10 ईयर्स, 20-12 ईयर्स, 20 ईयर्स, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं जिसके डिविडेंड्स को आप एंजॉय कर सकते हैं. Wow. या जिसकी जो भी आपने उसका कंसिडरेशन सोर्स उसकी रखी हुई है वो आप एंजॉय कर सकते हैं. तो इन इमर्जिंग बिजनेसेस के साथ काम करना, स्मॉल मीडियम एंटिटीज के साथ काम करना, ये प्योरली मेरे लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आता है. एंड वन लाइन इफ आई डिफाइन व्हाट्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इट्स हेल्पिंग द बिजनेस सॉल्व इट्स प्रॉब्लम. आप उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करें, सॉल्यूशन लेके आए, सॉल्यूशन के बाद उसे इंप्लीमेंट करवाएं और इंप्लीमेंट करवा के उसे सेविंग ला के दें. लेट द फाउंडर और लेट द ओनर ऑफ द बिजनेस फोकस ऑन बिजनेस. उन्हें फोकस करने दें बिजनेस के ऊपर. बिजनेसेस शुरू होते हैं, सबसे पहला मरला ये होता है कि जी वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो आप किसी को हेल्प करें प्रोडक्ट में, आप क्या कर सकते हैं. प्रोडक्ट चल जाता है, उसके बाद उनका मसला ये होता है कि भाई सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन सिस्टम्स नहीं बने हुए, हमारे पास प्रोसेसेस नहीं है. हम रोज सुबह आते हैं, जहां इमरजेंसी होती है, जहां आग लगी हुई होती है, आग बुझाने चले जाते हैं. नहीं, यू नीड टू मेक सिस्टम्स नाउ. अब आपको सिस्टम्स बनाने हैं, प्रोसेस बनाने हैं, रिपोर्टिंग टूल्स डालने हैं ताकि चीजें ऑटोमेट हो, ओनर का टाइम फ्री हो, उसे नंबर्स एक क्रिस्प फॉर्म में मिले, एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में मिले, वो अपना वक्त वहां पे बचा सके. एंड देन वंस वो इससे चला गया, अब आती है बात एक्सपेंशन की. ठीक है यार, आपका प्रोडक्ट भी चल गया है, अब आपके पास बिजनेस पर फोकस करने के लिए टाइम भी है, आपके प्रोसेसेस भी बन गए हैं, आपके सिस्टम्स डिफाइन भी हो गए हैं. नाउ हाउ डू यू एक्सपेंड. एक्सपेंशन के अंदर 2 चीजें आती हैं. आप नए प्रोडक्ट्स को इसी एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑफर करें, दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है भाई, कराची में आपका सक्सेसफुल हो गया है हिसाब किताब, अब आप और प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड मिलते जुलते, दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आप कहते नहीं है मेरा प्रोडक्ट बहुत चल गया, मुझे नए प्रोडक्ट में नहीं जाना, आई नीड टू लॉन्च दिस इन इस्लामाबाद, लाहौर, मैं UAE में लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं रियाद में लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं जो है वो श्रीलंका के किसी शहर में इसको लॉन्च करना चाहता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू स्टडी मार्केट्स एंड यू लॉन्च द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ओवर देयर. ओके. ये मार्केट डेवलपमेंट कहलाती है. राइट राइट. तो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, एक मार्केट डेवलपमेंट. तो प्राइमरीली मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग की बिजनेस आज किस फेज में है. ओके. उसे कहाँ पे एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ डू यू सॉल्व फॉर इट. अब जब आप उसे सॉल्व करेंगे, यू विल ऑल्सो मेक मनी आउट ऑफ इट. और फिर एक वक्त आएगा क्लाइंट को आपकी आदत लग जाएगी. आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आप उसकी चीजों को सॉल्व करें. इट्स नॉट दैट इजी. उसके अंदर वो वाले मसले होते हैं कि उसके ऊपर रिसर्च करनी है, सही सॉल्यूशन लाना है. कभी लोग अच्छा, इसी पे मेरा एक सवाल था सर आपसे, जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, सो ऑब्वियसली व्हेन दे विल हियर यू एंड दे विल अंडरस्टैंड ऑल दीस प्रोसेसेस और एडवाइजरी के बारे में, जब उनको इतनी ब्रांचेस दोनों का क्लैरिटी मिलेगी, तो डेफिनेटली एक आपके अंदर भी, एक बच्चों के अंदर भी एक चीज होती है कि लाइक वी ऑल्सो वॉन्ट टू, बिकॉज इट साउंड्स रियली ल्यूक्रेटिव एंड यू नो के वेरी ग्रोइंग, और एक लर्निंग प्रोग्रेस भी है आप में और एक्सपोजर भी बहुत सारा है, तो वो भी आना चाहेंगे. तो क्या ऐसे ट्रेट्स हैं जो उनको अपने अंदर डेवलप करने सिंस देयर एकेडमिक जर्नी, जो उन्हें एडवाइजरी की तरफ ला सकते हैं या वो एडवाइजरी कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए, दो तीन इसके अंदर जो है वो 2-3 चीजें हैं.
अगर आप फॉर एग्जांपल एडवाइजरी में भी दो एंगल्स ना, एक एडवाइजरी है कि मैं किसी एडवाइजरी फर्म का पार्ट बन जाता हूँ एज एम्प्लॉई, और दूसरा है कि मैं अपनी कोई एडवाइजरी फर्म खोलने की बात करता हूँ। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। राइट। पहले मैं सिंपल एडवाइजरी के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि चाहे आप अपना काम करें या किसी को ज्वाइन करें, एडवाइजरी के अंदर यू हैव टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन यू कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड पे सोचते हैं, चीजों को कन्वेंशनली नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेंड्स में क्या हो रहा है, दूसरे ममालिक में से रिलेटेड क्या हो रहा है, थोड़ी सी आपकी रिसर्च स्किल्स हो। अगर आपकी रिसर्च स्किल्स नहीं है, आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद, आपको जो है वो इंटरनेट के ऊपर सॉल्यूशंस को देखना, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाना, कॉन्वर्सेशंस को देखना ये नहीं पसंद, तो आप वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। फिर आप शायद एडवाइजरी की फील्ड को ना एक्सप्लोर करें। एडवाइजरी की फील्ड के अंदर हर मसला नया मसला होता है, हर प्रॉब्लम नया प्रॉब्लम होता है, अनलेस कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना लें जो सबके लिए हो। लेकिन सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, सबके इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप क्या वो रिसर्च वाला स्किल सेट अपने अंदर डेवलप करता हुआ देखते हैं, वो बुक्स वाला एंगल अपने अंदर देखते हैं। अगर वो नहीं देखते तो फिर एडवाइजरी इज नॉट फॉर यू। ठीक है, फिर आपको ये एक पर्टिकुलर फील्ड जो आपको अच्छी लगती है उसको ऑप्ट करें, उसको कैरी ऑन करें। लेकिन एडवाइजरी की साइड पर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ी रिसर्च स्किल्स ये वाली चीजों पर आना चाहिए। दूसरा, हाई लोज बहुत होते हैं एडवाइजरी के अंदर। कुछ महीने होंगे बहुत काम होगा, कुछ महीने होंगे बिल्कुल नहीं होगा। एक क्लाइंट का कोई कॉम्प्लेक्स इशू आ गया है, आपको बहुत टाइम उसके ऊपर लगाना है, जब वो इशू खत्म होगा फिर आप आगे की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ बहुत स्ट्रीमलाइन रखना चाहते हैं आपके, यार मैं किसी भी दिन 5 बजे के बाद काम ना करूं, तो एडवाइजरी नहीं है आपके लिए, मुश्किल है थोड़ा। क्योंकि जब आप स्टार्ट में किसी कंपनी के साथ एडवाइजरी रोल में इंटर होते हैं, किसी प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के रोल में इंटर होते हैं, शुरू में बहुत टाइम लगता है। आपको सबसे पहले तो क्लाइंट को समझना है, वो कैसे सोच रहा है, कैसे बात कर रहा है, किस तरह अपने मसले को प्रेजेंट कर रहा है, कितने टाइम में उसको उसका सोल्यूशन चाहिए। फिर ये जरूरी नहीं होता हमेशा कि जो आप सोल्यूशन दें वही सबसे ज्यादा जो है फ्रूटफुल है, जो आपको बना हुआ है वही इधर अप्लाई होगा। आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। शुरू में बहुत वक्त लगता है, इट इज एज गुड एज आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो जितना वक्त फाउंडेशन में लगता है ना इतना वक्त यहाँ फाउंडेशन में लगता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन जो मसले मसाइल हैं सॉल्व होना शुरू होते हैं, सॉल्यूशंस मिलते चीजें जाती हैं। तो अगर आप बहुत स्टैटिक रूटीन अपना चाहते हैं जिंदगी का, एडवाइजरी इज नॉट फॉर यू। अगर आप हाई लोज को एडजस्ट कर सकते हैं, घर वालों को समझा सकते हैं, अपने रूटीन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ दिन जाग सकते हैं, कुछ दिन तो आप एडवाइजरी की तरफ आए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मैं फर्म को ज्वाइन करूँ या मैं अपनी कंसल्टिंग स्टार्ट करूँ। अगर आप अपनी कंसल्टिंग की बात करते हैं तो देयर इज जस्ट वन स्किल दैट यू नीड टू हैव। आप सेल्स को समझते हैं, हाउ टू टॉक, हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, हाउ टू पिच योर सॉल्यूशंस। अगर आपके अंदर वो पिचिंग एलिमेंट है, क्लाइंट कन्वर्जन का एलिमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट आपको आती है बात कर, और ये करके सीखा जाता है, दिस इज नॉट समथिंग कि कोई ये एक्सपीरियंस से आता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने साथ दुनिया में लेकर आया है। हर कोई जो है वो चाहता है कि भाई ये सीख ले, तो वो सीखी जा सकती है चीजें किताबें पढ़ के, लोगों को ऑब्जर्व करके, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करके, यूट्यूब वगैरह। आप खाना खाते हुए कोई बेतुकी की चीज ना लगाएं, इस तरह की चीजें देख के ये आप सुनते जाएंगे तो आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। तो अगर आप सेल्स को समझते हैं, निगोशिएशन को समझते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट को समझते हैं, आपका नेटवर्क अच्छा है, आपको बात करना पसंद है, आप ज्यादा लोगों में घुल मिल सकते हैं, देन आप अपने काम की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार क्लाइंट लाना मेरे लिए बहुत चैलेंज होगा, लेकिन टेक्निकल साइड पे मैं बहुत अच्छा हूँ, आई कैन वर्क ऑन सॉल्यूशंस, लेकिन क्लाइंट लाने की असल में नहीं ले सकता, तो फिर आप किसी फर्म को ज्वाइन करें और उनके साथ काम करें। दोनों के उसके अंदर करियर लैडर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नो वन वुड से कि आप जो है वो आप अपनी फर्म खोलेंगे तो ही आप एडवाइजरी कर सकते हैं। सो देयर आर 4 एलिमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। आप चाहे एम्प्लॉयड हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एक डॉक्टर है जो क्लिनिक में आता है कमाता है, जब नहीं आता नहीं कमाता, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इसी तरीके से लॉयर्स हैं फॉर एग्जांपल। बिजनेस, जहाँ पे आप सिस्टम्स बना के लोगों का वक्त खरीदते हैं, ये तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप काम करें, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। सो ये चारों क्वाड्रेंट हैं बेसिकली। तो आप अगर एम्प्लॉय अच्छी जगह पे एम्प्लॉई हैं, आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, हेल्दी रेम्यूनरेशन है, आप चाहे उसका एक पोर्शन इन्वेस्ट करके अपने लिए ओवर पीरियड वेल्थ खड़ी कर लें। बिजनेसमैन है, ओवर पीरियड अपनी वेल्थ बनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग है, ओवर पीरियड अपनी वेल्थ बनाते हैं। तो इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कम कमाएंगे या ज्यादा कमाएंगे, इट्स जस्ट दैट आपको अच्छा क्या लगता है। रोजी नसीब में लिखी हुई है, चीजें लिखी हुई है, जितनी लिखी है वो आनी है। हमसे ये सवाल नहीं होगा कि हमने कितना कमाया, ये जरूर होगा कहाँ से कमाया, हलाल है हराम है क्या है, वो सारा ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन कहने का मकसद ये कि व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप अपना कोई नाम कैरी करेंगे और लोगों से पिच कर सकेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। आई नो पीपल जिन्होंने कहा जी फर्म स्टार्ट करनी है, अच्छा जी फर्म स्टार्ट करनी है कर लें, अच्छा जी डे वन पे अपने लिए बहुत अच्छा से एक असिस्टेंट रखा है,
शारा फैसल के ऊपर एक जबरदस्त ऑफिस लिया है, काम शुरू कर दिया, क्लाइंट से पिच करना ही नहीं आ रहा। ऐसा हो रहा है यार, हम तो इतनी बड़ी जगह पे काम करते थे, हम कैसे किसी के दफ्तर जाके बात करेंगे। अब आप अगर मिसाल के तौर पे किसी को पिच करने जा रहे हैं, कोई एसएमई सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल मीडियम साइज एंटिटी की, तो आपको मतलब मिसाल के तौर पे डीएचए थोड़ी बुलाएगी मीटिंग के लिए, वो आपको अपने ऑफिस बुलाएगी। Exactly. आपको उसके ऑफिस जाना है, उनके एनवायरनमेंट में ढल के उनसे बात करनी है। क्वाइट पॉसिबल कि आप जाएं तो वो एयर कंडीशनर ना ऑन करें रूम के अंदर, right. आपको वहां पर फील हो कि नहीं जी मैं तो बहुत बड़ी फर्म का पार्ट था, मैंने तो 5 साल यहाँ लगाए, मैंने तो 8 साल यहाँ लगाए, ये सब होगा। Right. तो आपको क्लाइंट पिच करना है, किसी को अपना प्रोडक्ट बताना है, अपने बारे में प्रेजेंट करना है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, आप उनके साथ अच्छे से बात करें, उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, उनके जूतों में पैर डालकर सोचें उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, बी जेन्युइन विद देम। ना सिर्फ ये कि मैं आप रेवेन्यू बना सकूं, वी नीड टू बी जेन्युइन विद देम। तो जेन्युइन पर्सपेक्टिव से आपने उनकी बात सुननी है, उनको हेल्प करना है, उनको आगे बढ़ने में मदद करनी है, फिर जाके आप कहते हैं कि आप ओवर द पीरियड पर अच्छे क्लाइंट, बड़े क्लाइंट और बड़ी कंपनी के साथ जो है काम करना शुरू करते हैं। मेरी डेफिनेशन मैनेजमेंट कंसल्टिंग की ये है कि जिन बिजनेसेस के साथ आप काम करें वो बड़े हो जाएं। वो बड़े that's the approach. जिनके साथ आप काम करें, जिनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें, वो बड़े होने चाहिए ओवर द पीरियड। अगर आपके क्लाइंट्स बड़े नहीं हो रहे ओवर द पीरियड, इसका मतलब आप उनका प्रॉब्लम उस तरह से सॉल्व नहीं कर रहे, एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर फी कि मैं यहाँ से कितनी फी बना सकता हूँ। Exactly. वो कंसल्टिंग के पर्सपेक्टिव लोगों को जहन से निकाल देना चाहिए। मनी विल फॉलो। आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें, हेल्प देम ग्रो बिग, वो कभी भी आपकी किसी चीज के अंदर डिले नहीं करेंगे या आपको हाथ से जो है वो जाने नहीं देंगे। तो एडवाइजरी और कंसल्टिंग की फील्ड के अंदर मैंने यही सीखा है दैट इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग समवन एल्सस प्रॉब्लम, चाहे वो पैसों का रिटर्न जनरेट करना हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, मार्केट्स हो, ब्रांडिंग हो, सेल्स हो, ऑटोमेशन हो, प्रोसेसेस हो, डिजिटल साइड हो, एआई साइड हो, एनीथिंग। नई नई प्रोडक्ट्स के ऊपर, नई नई चीजों के ऊपर आप काम करते रहें, रीडिंग मटीरियल आपका अच्छा हो, रिसर्च आपकी अच्छी हो, और फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। That's all about, let's say, advisory or consulting वाली side. ये traits की qualities किसी के अंदर हैं, तो उन्हें इस तरह आना चाहिए। अगर ये traits और qualities किसी के अंदर नहीं है, they shouldn't come to this field. वो फिर जिस भी तरीके से वो अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आगे बढ़ाएं। और position of power consulting में बहुत देर से मिलती है। ये थोड़ा सा लोगों को इस चीज को हाँ समझना चाहिए कि आपको एक 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 अथॉरिटेटिव पोजीशन में अगर आना है, एक पावरफुल पोजीशन में आना है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि जो आप बात करते हैं वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, जो आप बात करते हैं उससे बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के आता है, बहुत अच्छी बात निकल के आती है, वो थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा बंदा शुरू में सीखता है, समझता है चीजों को, गलत सॉल्यूशंस पर काम करने लग जाता है, फिर अंदाजा होता है कि नहीं यार ये तो करना ही नहीं था, इसको इस तरीके से करना था, इस तरीके से करना था। तो डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंस्ट्रक्शनल थिंकिंग, ये जो ये सारी चीजें, इस तरह के स्किल्स पर काम करना जरूरी। मेरा चूंकि बैकग्राउंड अकाउंटेंसी और फाइनेंस का है, थैंक्स टू यूनिलीवर मैंने फाइनेंस के बहुत सारे स्किल्स बिल्ड किए, थैंक्स टू पीडब्ल्यूसी केपीएमजी मैंने अकाउंटिंग और कंप्लायंसेस के बहुत केसेस वहाँ बिल्ड किए। तो मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में ज्यादातर ये वाले प्रोजेक्ट्स देखने की कोशिश करता हूँ, और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज करके उसे मैनेज करके डिलीवर करता हूँ। वहाँ सोल्यूशन मैं नहीं बनाता, वो लोग बनाते हैं जो सेल्स को जानते हैं, जो मार्केटिंग को जानते हैं, मेरे जो पार्टनर्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, जो साथ काम कर रहे हैं, उन चीजों को जानते हैं, वो बिल्ड करते हैं, फिर हमारा काम होता है कि उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करवा दें, वहां तक पहुंचा के दें जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस चीज को हम डिलीवर करने की बात करें। देन यू बेसिकली हेल्प योर क्लाइंट ग्रो, और फिर उसके बाद वो भी आपके साथ ग्रो करते हैं और आगे आप भी उनके साथ ग्रो करते हैं। So thank you so much for such an intellectual and inspiring discussion for our students today. Actually, आपने बहुत सारी चीज़ों को आज clarify किया जो कि I think हमारे students के दिमागों के entangled thoughts हैं related to advisory, related to different fields and also the major difference between accounting and finance जो आपने clear किया. Thank you so much for being at the show. So students, I hope कि आपको ये बात समझ आई होगी that there are times when you have to, you know, gather information from those places and those moments जो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक जगह पे रोक रहे हैं, लेकिन जिस तरह आज सर मुजम्मिल ने हमें समझाया कि हर मौका जो है वो आपको एक opportunity देता है to learn, unlearn and relearn the new processes. और जो लोग इस चेंज को कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ साथ अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, दे ऑलवेज एक्सेल. एंड एडवाइजरी एट द लास्ट इज द फील्ड विच नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च स्किल्स एंड डिटर्मिनेशन. अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रांग हैं एंड यू आर हैविंग दैट हैबिट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन द करेंट सिचुएशन, देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ एडवाइजरी. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. अल्लाह हाफिज़.